ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. حاضرين الجمعة अल्लाह सुबहान का हम सबको बेानतहा शकर अदा करना चाहिए कि अल्लाह रबुलमी ने हमको उसकी इबादत के लिए पैदा किया है अल्लाह सुबहान ताली ने हम सब की एक दिन मौत मुखरर कर रखी है हमारी मौत के बाद अल्लाह सुबहान हमारी ज़िंदगी का हिसाब किताब लेंगे उसी के नतीजे में अल्लाह ताली ने जन्नत और जहन्नम रखे हैं अल्लाह सुबहान जब अपनी इबादत के लिए हमें पैदा किया तो अल्लाह रब्बुल रबुली ने हमें बेसहारा नहीं छोड़ा अल्लाह ने किताब हिदायत नाजिल की और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो बातें बयान फरमाई हैं इंसान को मतम कर देने वाली बातें हैं अल्लाह तआला ने इंसान की जो अक्ल है हर इंसान को एक जैसे नहीं अता की है इंसान के अक्ल में तफावत है सलाहियतों में भी अल्लाह आलमीन ने ओँछ नीच रखी है लेकिन कुरान मजीद अपने पैगाम में अपने दलाइल में मुआशरे में जितनी सतह के लोग हैं सब के लिए दलाल दलाइल फराहम करने वाली किताब है उमरा से लेकर बादशाहों से लेकर वजरा और मुआशरे की समाजी ज़िंदगी के आम आम लोग सबको मुतमईन कर देने वाली बातें हैं एक इंसान बहुत अच्छी तबीयत का है बरदार है एक नाफरमान है जालिम है माल और दुनिया की दीगर ख्वाहिशात की उसे लत लगी हुई है उसको भी मतमिन कर देने वाली किताब है जालिम को भी कि वो जालिम से जुल्म से अपना हाथ रोक ले, मज़लूम को यकीन दिला दे कि जो है आपका हक आपका हक ज़ाए जाये नहीं जाएगा अल्लाह सुबहान व तआला ने हर तरह से इंसान को मतम किया है यही इसकी खूबसूरती है दुनियावी एतबार से आप देखिए एक उस्ताद से लेकर की एक मुल्क का कानून जो बनता है किसी भी मुल्क का दुनिया में और किसी भी दौर की बात जब बात इंसान की आती है इंसान की राय की आती है तो ज़रूरी नहीं है कि उस राय से सब मुतफ़ हों और सब के लिए वो एक हों और सबको मतमिन कर देने वाली चीज़ हो इंसान कानून बनाता है दूसरे दिन उसे ख़त्म कर देता है या ज़माने की रफ्तार के साथ वो खुद कल आदम हो जाता है खुद को मुतमईन नहीं, नहीं कर पाता है लेकिन अल्लाह आलमीन का ये कलाम आज तक और क़यामत तक के लिए ही दुनिया में कितने तरह के इंसान ने अंदाज़ा लगाइए, मर्द हैं औरत हैं पढ़े लिखे हैं अनपढ़ हैं शहर के लोग हैं देहात के हैं सेहतमंद हैं जिनको कुछ आरिजा लायक है हर सतह के लोग मजदूर से लेकर के सब 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 लेकिन जब बात कुरान की आती है दलाइल की आती है कुरान के इफाम व तफहीम की बात आती है अल्लाह सुबहान व तआला ने सबको सबके सतह के, के हिसाब से बात की है सबके मुस्तवा का ख्याल रखा गया है ये बहुत अजीम बात है कुरान मजीद से मुतल इसलिए कि इंसान की जो ज़िंदगी है बिलखसूस अगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बात करते हैं तो साठ साल की ज़िंदगी है पल भर में इंसान के साठ साल निकल जा रहे हैं और जो हमेशा की ज़िंदगी है वो तो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है ऐसे में हमेशा की ज़िंदगी कौन जहनम में जाएगा कोई जाने के लिए तैयार नहीं है लेकिन जब उन्हें दराइल से मतम करवाया जाए कि हमेशा की ज़िंदगी जन्नत की है हमेशा की ज़िंदगी जहन्नम की है तो वो मतम कर देने वाली बात चाहिए जिसे इंसान के होश हो जिससे इंसान को होश आए होश से काम ले और दिल मतम हो जाए कि हाँ हमेशा की जन्नत है मुझे यकीन है अब मुझे इतमान हुआ है यह हमेशा के जहनम है कुरान ने इस तरह की गुफ्तु तो गुफ फरमाई इस तरह के दराइल फरमा फराहम किए कुरान मजीद ने यह तमहीदी बातें थी ये समझाने के लिए कि अल्लाह सुबहान तआला की जो किताब है कुरान मजीद महज मस्जिद की चार दीवारी में इस सिलसिले में कुछ बातें कहने की नहीं हैं अल्लाह सुबहान तआला ने दुनिया भर के लोग दुनिया भर के लोग जिस तक ज, ज, जब किसी के पास मुबल तक नहीं जा पाता है कभी एक दाई नहीं पहुँच पाता है अल्लाह सुबहानु व तआला ने इसके पैगाम को इतना वाजे रखा है इंसान पढ़ करके के हो जाता है इस्लाम कबूल कर लेता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में मुतद मकामा पर मिसाल के तौर तो पर सूरतुन निशा का जो बिल्कुल आखिरी हिस्सा है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रमाया इन्ना इलैका कमा कमाइना अला नूर व मिन इम्बादी

इनको भेजने का जो मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया रसुल मुबशीन व मंदरिन यकून अला अल्लाह हुज्जत अल्लासीबादर रसुल अम्बल मसद्लाम को अल्लाह ने इसलिए भेजे हैं ताकि अल्लाह ताला किसी को जहन्नम में डालते हैं उसकी बदब्ती की वजह से उसके गुनाहों की वजह से उसकी नाफरमानी की वजह से उसने अल्लाह सुबहान तआला के दीन से जो रूगर्दानी की और दो 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 दिन की ज़िंदगी को जो तरजीह दी उसने हमेशा की ज़िंदगी पर वो उसने अपने ख़ुद से किया है अल्लाह जहन्नम में डाल रही है तो वह अल्लाह का अदल है ताकि उसे वाज हो जाए कि उस पर जुल्म नहीं हुआ है कुरान मजीद का जो पैगाम है वो अपने अंदर बहुत वजूह रखता है बहुत वाजहे तो अल्लाह सुबहान तौर ने अम्बिया को इसी लिए भेजा अल्लाह के रसूल को भेजा आलत भले ही क़ैमत तक के लिए कोई नबी नहीं है लेकिन रसूल के नाम पर मोहम्मद के नाम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी इंसान को जब अल्लाह की बात पहुंचती है कुरान का पैगाम पहुंचता है अल्लाह ने सूरह अनआम में कहा लन्धीरा कु वमम बलग वमम बल कहा रब्बुलमी ने कहा कि ले उन दिरा भी अल्लाह ने अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश मक्का से कहा था ना कि मैं तुम्हें डराता हूँ कुरान से और किसको डराता हूँ वमन बलग़ जिस जिस को कुरान पहुँचता है इसीलिए इब्नताम रहा ने बाज़ अहले इम के हवाले से कहा कि आज भी वो अपने दौर के अतबार से कहा हम अपने दौर के एतबार से कहेंगे आने वाले ज़माने के लिए भी जिस इंसान को कुरान का पैगाम पहुँच जाता है गोय मोहम्मद ने पहुँचाया है उसको उन्होंने ही कहा है उसको वम बलख में इतनी वसात है कि हर इंसान से गोये अल्लाह के रसुल खिताब कर रहे हैं सलोल्ल कहने का मकसूद ही अल्लाह सुबहान व ने अम्बिया को इसीलिए भेजा इसीलिए मैं बहुत फरमाया ताकि कोई ऐसी जानना में ना जाए कि वो अपने दिल में खटक रखता हो कि मुझ पर हुआ है अल्ला रब्लम ने फरमाए सतोला के आगाज़ में मनहतदाफ इनमायत नफ़ी वमफ़ा वज़ी वज़ी तुम वज्र उखरा उसके बाद अल्लाह ने फ़रमाया व माकुन्नाजिन रसूल ऊलमायलाम के नज़दीक मुफसरिन शारिन्हों ने भी शरीय की किसी भी तरह नुमा की नुमाइंदगी की हो आयत करीमा के इसकेचई को उन्होंने असल बनाया है इस पैगाम को समझाने के लिए कि कोई भी शख्स जब तक उस पर हजत क़ायम ना हो वह जहनम में नहीं जाएगा अल्लाह उसे जहान में नहीं डालेंगे इस दुनिया में होते हुए मान लीजिए कि उसने शिरक नहीं किया है लेकिन उसे तोहैद और अल्लाह अल्लाह सुबहान तौ की इताद का इल्म नहीं है उसके पास कोई 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 मुबलिक नहीं पहुँचाएँ अल्लाह की बात पहुँचाने वाला कोई नहीं रहा है अल्लाह सुबहान उसे ऐसे ही में नहीं डालेंगे उसे एक मौका देंगे कुछ ऐसे अफराद हैं दुनिया के अंदर जिन तक अल्लाह की बात नहीं पहुंच पाई ऐसे लोगों को अल्लाह सुबहान तला यूं ही जानने में नहीं डालेंगे अल्लाह सुबहान तै ने इतना 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 रहमत वाला मामला फरमाया है इसलिए कि कुरान मजीद बहुत मुतमैन कर देने वाली किताब कुरान मजीद में एक सूरत है सूरतमरसलात उसकी बिल्कुल आगाज में अल्लाह ताली ने अपनी कई मखलूक़ात की कसम खाई अल्लाह तला ने मलाइका से मुतक अल्लाह ताली ने कहा फल ज़िक्र रुज रन और नज़रा अल्लाह ने मलाइका की कसम खाई जो अल्लाह ताला की वहीब अपने अल्लाह अल्लाह की नबियों तक लेकर आते हैं अल्लाह के पैगाम को लाकर पहुंचाते हैं अल्लाह का जो पैगाम लाया जाता है अल्लाह ताला ने उससे मुतालिक दो बातें बाते बयान फरमाईं कहा कि किन एक तो कुरान इसलिए अल्लाह ने नाजिल किया ताकि हर एक पर हुज्जत कायम हो जाए जहनम कोई बिला वजह यूँ ही ना जाए उसके अपने किए की बुनियाद पर मसाला जन्नत का है वह अलग है वो अल्लाह का फजल है अल्लाह ताला इंसान को तोफ़ी देता है और उसके एक एक नेकी कदर करते हैं रब्आलमी इसलिए कि अल्लाह रऊफ़ है कदरदान हैं रब्लामीन लेकिन अल्लाह सुबहान ताली किसी को जब जहनम में भेजते हैं तो इंसान के दिल में सफाई हो साफ साफ शफाफ हो अल्लाह सुबहान तैाली इंसान को पैदा करके वो अगर नेकी भी कर ले इबादत भी कर ले फिर भी जहनम में डालें लायूस अल्लाह क्या करते हैं अल्लाह से पूछा नहीं जाएगा वो अल्लाह की मखलूक़ है लेकिन अल्लाह सुबहान व तैयार के आदिल का तकाजा है कि अल्लाह ताली जब अल्लाह के नाफरमान को जहनम में डालते हैं तो उस पर वो मुतमिन हो कि हाँ मैं जहन्नम का मुस्त हूँ जहन्नम की जहन्नम का मैं हिस्सा हूँ इतमान हो उसको ऐसे नहीं कि जबरन कर दिया जाए इसलिए कि वहाँ किसी का कोई पुरुषा हाल नहीं हर शख्स अपने तय ज़िंदगी गुजारेगा ऐसे में उसे मुतमिन कर देने वाली चीज़ चाहिए तो अल्लाह ने नेुरान मजीद से मुतल कहा कि कुरान एक इंसान पर हजरत क़ायम करने के लिए नाजिल किया गया है अल्लाह ताला ने कुर मजीद की जो सबसे सबसे अजीम आयत करीमा है बिल्तफाक़ वो कुर्सी है शेख उमीतम रामा कहते हैं कि अल्लाह का कलाम कुरान मजीद कुल का कुल अल्लाह का कलाम है पूरी किताब अल्लाह का कलाम है लेकिन अल्लाह के कला के एक हिस्से को एक हिस्से पर अल्लाह ने ख़ुद फजीलत दी है अल्लाह के कलाम को अल्लाह के कलाम पर फजीलत हासिल है की तरफ से आयतुलकरसी अजीम आयत करीमा हैुरान मजीद की वो आयतें जिनमें अल्लाह की है, अल्लाह का तारुफ है अल्लाह के आसमाय हसना है अल्लाह की सिफात है, अल्लाह के अफाल को बताया गया है वो कुरानी मजीद की दीगर आयतों पर अफजलियत हासिल है उनको आयतुल्कर्सी को देखें आप अल्लाह तौर ने फरमाया कियम लतासिनतु वाल लघु माफी समावत من ذا الذي يشفع عنده الا باذن يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم सूरत अलफातिहा की तरह ये आयत करीमा भी हर मुसलमान को याद रहती है लेकिन मेरे मौजू से मुतल बात क्या है इसकी बाद वाली आयत करीमा में अल्लाह ने कहा ला इकरा في الدين दीन में किसी तरह की कोई जबर नहीं ज़बरदस्ती नहीं ये हम यहाँ रहकर के गुफ्तु कर रहे हैं हिं। हिंदुस्तान में जहाँ मुसलमान अकलीत में ही गैर मुस्लिम के मुकाबले थोड़ी तादाद में ही बात अगर सऊदी अरब की हो या दुनिया के किसी ऐसे मुल्क की हो जहाँ सबके साथ सब मुसलमान होहद नबी के लिए लीजिए रसूल की सिद्दीक अकबर के उमर फ़ारूक के दौर की बात ले लीजिए जहाँ पूरे जजरत, जजरत अरब में मुसलमान वहाँ के लिए भी ये बात है आज हम अकलीत में हैं तो ये बात कह रहे हैं ऐसा नहीं सरबराही अगर मुसलमानों को हो तब भी यही बात कि लाक्रहाफ़ुद्दीन बस अहल इल्म ने इस बात को वाज किया कि आयतुल कुर्सी के बाद लाक्रहाफुद्दीन जो कहा गया है क्या मुनासबत है उसमें हालांकि अहल इल्म ने इस सिलसिले में मना किया है जो इलम्लर है उसमें एक आता है इलमिलमुनासबात एक सुरे का दूसरे शुरे से क्या ताल्लुक बल्कि एक आयत से दूसरे आयत से क्या ताल्लुक़ बाज मुफरीन इसमें बहुत ही गहराई में चले जाते हैं हर आयत से दूसरे आयत से क्या ताल्लुक इस तरह से बस अहल मना किया इसमें इसलिए कि इसमें तकल्लुफ है लेकिन जहाँ वाज वाजे हो और बहुत ही मानवीय हो अहल इसको बयान करते हैं कि ला एक फी दीन आयतुल कुर्सी के बाद कहा गया इसलिए कि कुरान मजीद की वो सबसे अफजल आयत है इसलिए कि उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद को बयान किया गया है उसके दस अज्जा हैं जिसमें अल्लाह ताला के अल्लाह ताली का तारुफ़ हर पहलू से करवाया गया है इतना वाज अंदाज में अल्लाह का तारुफ़ करवाया गया है आयतुल कुर्सी में क्या इसके बाद भी तलवार की ज़रूरत पड़ेगी क्या इसके बाद भी ज़बरदस्ती किसी को इस्लाम लाने के लिए कहा जाएगा कहा कि नहीं ला लाक्रहाफ़ुद्दीन अल्लाह सुबहान तआला की तौहीद इतनी वाज है इस्लाम लाना हो तो यूँ ही ला लें नहीं लाना हो इतनी वजाहत के बाद भी किसी को क्या ज़बरदस्ती इस्लाम ला इस्लाम इस्लाम के लिए तैयार कराया जाएगा बताइए ये मुनासिबत बताएं लाक्रहाफ़ुद्दीन का आयतुल कुर्सी से हती के इंसान को जब मौत आती है ना तभी सब चीज़ें वाज़ हो जाती हैं वरना ज्याती गरक़ा वरना शपात नश्ता एक मुसलमान और काफ़ी की जब रूह कब्ज़ होती है ना तभी फैसले हो जाते हैं इसके बावजूद भी मुतद मराहल में अल्लाह रब्बुल रब्लम हजरत क़ायम करते हैं हती कि आप अंदाज़ा लगाइए एक इंसान के तल्ल से ये बात वाजह हो चुकी है कि ये जहन्नम में जाएगा और जहन्नम का ये मुस्तैक है अब ये जहन्नम का हिस्सा होने वाला है तब भी अल्लाह सुबहान वाली उस बंदे से मुल्क इस मामले को रवा रखें सूरतमल्क में देखें आप अल्लाह तुल्लम तोलो बब जाकर के उन्हें जहाना में डाला जाएगा गोया कि एक तरह से इतमान वाली बात कि हाँ वाक हता मैं इस लायक हूँ कि जो है मैंने अल्लाह की नाफरमानी की मैंने अल्लाह सुबहान तला के दिन को कबूल नहीं किया है मुझे जो जहन्नम में डाला जा रहा है वो रब्बुल आलमीन का इसमें जुल्म नहीं जबकि वहाँ पर किसी की चलती नहीं ना किसी का पैसा काम आएगा अहदा काम आएगा ना किसी का असर व रसुख और ख़ानदान ना उस पर कोई हमदर्द होगा उसका वहाँ पर ऐसे में उसके दिल में कितनी खटक होगी कि मुझे देखो ज़बरदस्ती जहना में डाला जा रहा है तब भी पूछा जाएगा उनको जहाना में डालते हुए भी मैं आपके सामने दो तीन मिसालें रखता हूं ताकि बात समझने में आसानी हो अल्लाह व तआला के लिए अयाज़न बिल्ला ईसा आल्लाम को मलाइका को अल्लाह के बेटे और अल्लाह की बेटियाँ करार दिया जाता है कि मलाइका अल्लाह की बेटियाँ हैं कुरान मजीद में अल्लाह तारा ने जगह जगह पर इसका रद्द किया सूरताम के वस्त में अल्लाह अल्ला ने अपनी तख्लीक के मुतद मज़ाहिर अल्लाह ने बयान किए फल्कियात से मुतल चांद सूरज और नबाता दीगर बहुत सारी चीज़ें उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन्हों का भी जिक्र जिक्र किया कि अल्लाह ने इनको भी पैदा किया है उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों पर रद्द किया कि बदमाव तकू साहिबा अल्लाह तआला ने कहा कि अल्लाह सुभान व तआला जमीन व आसमान थे नहीं इसकी कोई मिसाल भी नहीं थी कोई मॉडल भी नहीं था अल्लाह तो इनकी मौजूद हैं अल्लाह सुभान व तआला ने कहा कि अल्लाह के लिए बेटा बताते ही अल्लाह के लिए फिर बीवी कहाँ हैं लहू लहूलत उसके लिए औलाद कहाँ से होगी अल्लाह के लिए तो बीवी ही नहीं है अल्लाह व तआला ने एक 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 दलील दी उनको यह बताने के लिए कि किला सुबहान तआला के लिए औलाद होने के लिए अल्लाह सुबहान तआला के लिए बीवी भी चाहिए जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए बीवी ही नहीं है तो फिर अल्लाह सुबहान तआला के लिए औलाद कहाँ से अल्लाह सुबहान तकाम पर इस बात को वाजफ़ फ़रया नसा में सरत इमरान में जब कुरान नाजिल हुआ ख़ासकर मदीने की मैं बात कर रहा हूँ मदीन तो रसूल की जहाँ अहले किताब बड़ी तादाद में थे यहूद थे जो रह रह करके आम मशरकिन को आम लोगों को ये समझाने की कोशिश करती थी कि जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं वो अनपढ़ लोग हैं समाज के आम लोग हैं पढ़ा लिखा तबका जो किताबों का इल्म रखता है आसमानी किताबों का इल्म रखता है वो इस्लाम नहीं कबूल कर रहे हैं हालांकि बात ऐसी नहीं थी लेकिन इस तरह से उन्होंने समझाने की कोशिश की लोगों को अल्लाह के रसूल आल्लाम तो और आम सहाबा को उन्होंने क्या कहना चाहा मालूम उन्होंने कहा कि अल्लादीन कॉलू इहिदिन हती नाबी क़ुरबान ताको इन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं हम मोहम्मद परीमान नहीं लाते हैं क्यों नहीं लाते हैं इसलिए कि अल्लाह से हमारा माहा है हमारा माहा अल्लाह ताली से यही है अल्लाह तारा ने हमसे कहा कि हम किसी रसूल पर उस वक्त तक ईमान लेकर के नहीं आए जब तक कि वो रसूल अल्लाह की हुजूर को ये कुरबानी पेश करें और आग आकर के कुर्बानी को जला दे मतलब ये कि इनकी कुर्बानी कबूल है तब जाकर के हम ईमान लेकर के आएंगे अगर मोहम्मद से ऐसा मामला होता है कि वो अल्लाह के रास्ते में कोई कुर्बानी पेश करें और आग आ करके जला दे तब हम इन पर ईमान लेकर के आएंगे अल्लाह व तआला ने कहा कि कुल फलिमा में कतल तुम हूँ इनकन तुम सदी

बल्कि अम्बिया आने के साथ साथ उन्होंने कुर्बानी भी पेश की आग आके जला भी दी तब भी इन्होंने अम्बिया को कत्ल किया भला बताओ क्यों कत्ल किया इन्होंने सुखमहानल्ला मतलब किया हम ये झूठे हैं है अपने दावे में अपनी बात में अल्लाह सुबहान तला ने इस तरह से एक मतमईन कर देने वाली बात अल्लाह रबूली ने फरमाई ये एक दो तीन मिसालें ही नहीं हैं कुरान मजीद में इस तरह की वाफिर मिसालें हैं अल्लाह रब्लमी ने तोहीद को समझाते हुए सूरतरूम में बयान फरमाया ضرب لكم مثلا من هل لكم مما ملكت मत من شركاء فيما رزقناكم जखनाकुम فيه سواء تخافونهم كخيفتكم तखाफुन केफ सकुम ये मिसाल बहुत अहम मिसाल है अल्लाह ताला ने कहा कि एक इंसान जो मान लीजिए कि मालदार है यानी किसी मुल्क का सरबरा है किसी कबीले का बड़ा है असल रसूख और, और मनसबदार इंसान है एक इंसान की मैं बात कर रहा हूँ क्या इंसान चाहता है किसी दिन कि उसका जो गुलाम है उसका जो नौकर है वो भी माल में रुतबे में मनसब में मेरे बराबर हो जाए कभी चाहता है इंसान कभी इंसान चाहता है कि मैं तो बहुत मालदार हूँ तुमको भी इतना माल मिल जाए कि तुम मेरे बराबर हो जाए या मेरे से आगे निकल जाओ इंसान चाहता है ऐसे बिल्कुल नहीं चाहता है एक इंसान एक इंसान को अपने बराबर होने के लिए कभी तैयार नहीं अल्लाह सुबहान व तौला ने कहा कि तुम अला सुबहान तै की बराबरी में एक मखलूक को कर दे रहे हो जबकि एक मखलूक को एक इंसान को तुम अपने बराबर करने के लिए तैयार नहीं हो और अल्लाह सुबहान तौ कि तुम बराबरी में एक मखलूक को कर दे रहे हो सुबहानल्ला कितनी मतमिन कर देने वाली बात है अल्लाह सुबहान वाली नेसीम की जो तख्लीक़ है उस उस मोज़ज़ाती तख्क को रख करके ईसीम को अला मान लिया गया इबन मान लिया गया त्या फ़रमाया सो इमरान में इन नईसा इन कमसली आदम खल तुराबिन तुमकुन फ़याकून ईसा अल्लाम को अल्लाह तौर ने बग़ैर बाप के पैदा किया एक अल्लाह सुबहान तौ की तख्लीक का एक मजहर है जब इस बुनियाद पर अगर वो मबूद हो जा सकते हैं इब्नल होते हैं अल्लाह रबूमी ने आदम आ सल्लाम तो को बग़ैर माँ बाप की पैदा किया उनको अल्लाह सुबहान तै ने हवा को भी बगैर माँ बाप की पैदा किया आदम से पैदा किया अल्लाह रब्लमी ने उनको तख्लीक़ के वहीं पर दो तो महर हो गए ईसा आदल सलाम तो एक तीसरा मजहर है आम इंसान एक चौथा महर है इस बुनियाद पर इस अनू की तख्लीक की बुनियाद पर वो कैसे मबूद हो सकते हैं वो कैसे इब्नुल्लाह हो सकते हैं असल मामला तो अल्लाह सुभान व तआला का है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे भी पैदा किया और ऐसे भी पैदा किया कितनी मुतमईन कर देने वाली बात है सुभान अल्लाह मैं आखिर में अल्लाह के रसूल अलैहि अलीसद्लाम शा, की सीरत मुतहरा से एक मिसाल दे देता हूँ आपको एक हदीस आती है मुसनद अहमद की इमाम अहमद बिन अहमदमर ने एक आरूफ सहाबी जो अपनी कुनीत से मशहूर हैं अबू उमामा अलबाह रज़ी लन अल्लाह के रसूल सलमाम के इंतकाल के बाद तकरीबन सत्तर साल तक बाहयात रहे तकरीबन लगभग अबू उमामा अबाहली रजीलान कहते हैं कि अल्लाह के रसूल के पास एक नौजवान आए अल्लाह के रसूल के जो सहाबा हैं सलील आल वम तबयहीबार से बहुत ही सादे एक तो अरबी नसल अरब होने के एतबार से भी अल्लाह के रसूल की जो तरबियत रही है इस अतबार से भी बहुत ही सादगी के साथ साफ गुफ्तु करने वाले दिल में एक सामने जुबान पर एक ऐसा नहीं जो दिल में वही जुबान पर और बहुत ही वजू उनकी गुफ्तु में साफ शफाफ गुफ्तु करने वाले उनके मामला में बहुत शफाफियत रहती थी इसीलिए मामला उनके जल्दी हल होते थे अबू हमामा अलबाही रज़ी अल्लाह अल्ला कहते हैं एक नौजवान आए और आकर के अल्लाह के रसूल से कहा कि अल्लाह के रसूल ए ली बिज़िना मुझे जिना की इजाज़त दीजिए मैं जना करना चाहता हूँ तसवर कर सकते हैं आप तसवर कर सकते हैं आप हम किसी से पूछ सकते हैं हम हमसे कोई पूछ सकता है यकीन अल्लाह कितनी बड़ी बात है ये नहीं, 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 नहीं वही नाजिल होने का दौर वही नाजिल होने का दौर है अल्लाह के रसूल के सामने सैदुलमुतकी आप सरतम से पूछा जा रहा है कि ए दिनली बिज़ जना मुझे ज़िना की इजाज़त दीजिए अल्लाह के रसू ने कहा कि उनको मेरे खरीब करो अल्लाह के सौ के करीब हुए आप सल वसम ने उनसे कहा कि अतोहिब बहोली उम्मिक ये जिस काम की तुम इजाज़त पूछ रही हो तुम्हारी माँ के साथ भी तुम रवा रख सकते हो तो अतोहेब बहोली लि लिबनतिक तुम्हारी बेटी के साथ ले उखतिक तुम्हारी बहन के साथ ले अमतिक तुम्हारी 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 फूफी के साथ तुम्हारी खाला के साथ लि खालतिक क्या इस मामले को तुम उनके साथ भी जायज़ समझते हो रवा रखते हो ये नशा तुम्हें वहाँ भी दिखाई देता है सहाबी ने कहा कि लिया रसूल्ला क्जा आलन फिदाक वलना सब्बू नातील्ला के रसूल ने कहा कि अल्लाह के रसूल मेरी ज़िंदगी मेरी जान आप पर फिदा हो कोई इंसान इस इस अमल के लिए अपनी माँ के लिए अपनी बेटी के लिए अपनी बहन के लिए अपनी पूपी के लिए इनके न, इनके साथ कभी रवा नहीं रख सकता है अल्लाह के रसूल सल्लम ने मज़ीद कोई बात नहीं कही इतनी सी बात कही और वो बात उनकी समझ में आ गई कि वो वो भी तो किसी की बेटी है वो भी तो किसी की बहन है जब आप अपने लिए पसंद नहीं करते हैं तो वो वो उसके लिए कैसे पसंद करेंगे तुम्हारी माँ के साथ कोई मामला रवा रखें तुम्हारी बहन के साथ कोई मामला रवा रखें एक इंसान दूसरे पर नजर रखता है अपनी बहन के पास अपनी बहन को भी रख करके सोचे अपनी बेटी को भी रख करके सोचे गैरत जागती है उसकी बर्दाश्त नहीं कर पाता इस बात को अल्लाह के रसूल यही बात उनके सामने रखी मस्जिद कोई बात नहीं अल्लाह के रसूल ने अलबा उनके लिए एक दुआ फरमाई उनके सीने पर हाथ मारा आप अलीसम ने कहा कि अल्ला फ़िरजा एल्ला इनके गुना को दे दें वह ताहिरकल्बा उनके दिल की ततहर कर दे साफ़ कर दे और वह हसन फ़र्जा एल्ला इनके शर्मगा की हिफात फरमा अबू उमाम उमामबाहली कहते हैं रफ़ुल्लान फलम बहदल्फ़तः तो अलाश उसके बाद उस नौजवान ने कभी कभी ऐसा मामला नहीं किया उनकी ज़िंदगी में कभी ये बात नहीं रही एक तो बात समझ में आ गई इतमान बख्श बात थी और फिर अल्लाह के रसूल की दुआ का वो असर भी था बेजिल्ल लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि आप आल्लम ने उनकी सर्जरिश नहीं की उन्हें इस नाहिए से नहीं डांटा इस पहलू से उनका कान नहीं पकड़ा कि ये ये सोचा कैसे तुमने ये तुमने इजाज़त तलब की कैसे तुमने जाहिर बात है वो एक सहाबी का सवाल था आज मेरे और आपसे किसी और तरह का सवाल हो सकता है कोई और बात हमारे सामने आ सकती है इस्लामी तालीमत महज थोपने वाली नहीं हैं चाहे वो अक्लियत में हो चाहे वो उनकी सरबराही हो उनके लिए दलाइल दलाइल से गुफ्तु की जाती है और फिर फर्दन फरदन कभी इज्तमाही तो पर इंसान के अकल से अपील करने वाली बातें उसके दिल को हिला देने वाली बातें उसके अंदर तब्दीली लाने वाली बातें वो अंदर बैठ करके सोचे कि हाँ ये बात ऐसी है बात तो बात बिल्कुल दुरुस्त है बात तो बिल्कुल तो बिल्कु सच है इस्लामी तालीमत के अंदर है ही ये बात ये एक खतीब जुमा के ख़ुदबे में खड़े होकर के कह दे और सामीन सुन लें एक दूसरे की पीठ थपक लें कि हमारा मज़हब ऐसा है हमारा दिन ऐसा है इस्लामी तालीमत में इतना इतना कितना इतनी कच्ची तालीमत नहीं है इसकी वैसे अल्लाह के वजलो करम से हम या कह रहे हैं दुनिया भर में ये बातें सामने ही तो हम अंदरूनी तौर तो पर घर के अंदर भी जब कुरान पढ़ते हैं किसी को बताते हैं किसी मुसलमान को या किसी गैर मुस्लिम को मुसलमानों में भी कोई किसी तबी तौर पर कोई फरमाबरदार होता है कोई नाफ़रमान होता है कोई मकररूर होता है किसी की तबीयत में तोज़ुँ होती है किसी भी तौर पर बात यह होनी चाहिए कि अल्लाह अल्लाह सुबहाना तौर की बातें इस अंदाज में कही जाएँ कि उसे समझ में आ जाए बात तो वाज हो जाए बात में वजाहत ना हो महज कान पकड़े महज मारे और उसको जब जबरन कोई काम करवाएं, इससे 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 बात नहीं बनती फिर इस्लामी तैलीमत की कोई खूबसूरती नहीं रह जाती अल्लाह सुबहान व ने कुरान मजीद में अल्लाह के रसूल की, की सीरत मतारा बताती है कि इसमें हर दलील हर इंसान के लिए हर इंसान के मुआफ़ है और बिल्कुल मुतमिन कर देने वाली बात है तभी तो साठ साल की ज़िंदगी में इंसान को जब शोर आता है पाँच छः साल का जब बच्चा होता है उसके घर की परेशानियों को देखता है उसकी मौत तक कितनी कितनी उसकी ज़िंदगी में आजमाइें आते हैं इंसान इसे अजाब समझता है माली एतबार से कभी बीवी बच्चों के अतबार से कभी औरत अपने शोहर के एतबार से माशरती ज़िंदगी में समाजी ज़िंदगी में इंसान इस इस साठ साल जिंदगी को अजाब समझता है कि मेरी मौत तो आ जाए मैं मर तो जाऊँ सुबह अल्लाह थोड़ी सी जिंदगी हम हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हमेशा की जहन्नम में जा चला जाए आदमी और उस पर हजत कायम ना हो और उसे इतमी बस बात ना कही जाए इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता बताइए वह हमारा अब्बू का भी जल्लामिल्लाबीद बहरहाल में अपनी बात को ख़त्म करता हूँ अल्लाह व सुबह से दुआ है कि अल्लाह ताली हमें हमें जिस मकसद के लिए पैदा किया है अल्लाह व हमें उस मक़द का कायम रखें और हमें अपनी ताकत के अल्लाह बखदर व तैाली इस बात को लोगों में पहुँचाने आम करने जो हमारी ताकत है अल्लाह उस ताकत के मुताबिक हमें काम करने की अल्लाह शहादत दे तोीक़ दे व आखिर उदावाना रमदिल्ला रबालमी